अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल दारचीनी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक और डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है बलून चिकन सैंडविच। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसकी फिलिंग भी हम बनाएंगे और इसका ब्रेड भी हम खुद बनाएंगे, वो भी बगैर ओवन के। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ब्रेड के लिए डो तैयार कर लेना है। तो उसके लिए हमने 1 कप वार्म मिल्क लिया है, फिर उसमें 1 टेबलस्पून शुगर ऐड कर देंगे, 1/2 टेबलस्पून नमक और 1/2 टेबलस्पून ड्राई ईस्ट डालकर उसे अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद हम इसमें 2 कप मैदा ऐड करके उसे अच्छी तरह मिला लेंगे। उसके बाद हमें इसमें 1/4 कप ऑयल ऐड कर देना है और इसका एक बहुत ही सॉफ्ट सा डो बना लेना है। डो को कवर करके 1 घंटे के लिए राइज होने के लिए रख देंगे। 1 घंटे बाद ये साइज में डबल हो जाएगा। अब हम फिलिंग बनाने के लिए एक बोल में 2 टेबलस्पून दही डाल देंगे, उसके साथ ही 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, नमक, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 लेमन का जूस और साथ ही 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला या फिर अगर तंदूरी मसाला अवेलेबल हो तो वो डाल दें। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। हमने यहाँ पर 300 ग्राम बोनलेस चिकन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसे इस मसाले के साथ मैरिनेट कर देंगे और उसे 15-20 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसे रखे हुए 20 मिनट्स हो चुके थे तो अब हमें इसे कुक कर लेना है। 1 पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और उसमें 1 मीडियम साइज की प्याज डाल देंगे। जब प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए तो उसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। 2 मिनट उसे हाई फ्लेम पर भूनना है, उसके बाद आप उसे कवर करके 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर छोड़ दें। यहाँ पर चिकन गल चुका है लेकिन इसमें अभी भी पानी है। हम इसे फ्लेम हाई करके अच्छी तरह भून लेंगे जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए। हमें ये बिल्कुल इस फॉर्म में चाहिए। फिलिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है तो नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं और ब्रेड बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि जो डो हमने बनाकर रखा था वो साइज में डबल हो चुका है। इसे बहुत अच्छी तरीके से गूंद लेना है। हमने इसे 4 हिस्सों में करके इसके 4 बॉल बना लिए हैं। इन बॉल्स पर हमें जरा सा मिल्क लगाकर उसके ऊपर व्हाइट तिल लगा देना है। मिल्क की वजह से वो तिल बहुत अच्छी तरीके से इसको चिपक जाएंगे। यहाँ पर हम एक बॉल उठाकर उसको एक रोटी की साइज का पेल लेंगे और फिर हमें उसके 4 हिस्से कर लेने हैं। इसको बिल्कुल पतला नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि इसका साइज कितना मोटा है। इस ब्रेड को फ्राई करने के लिए हमें बिल्कुल गर्म ऑयल चाहिए। तो ये ऑयल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। हम इसमें ब्रेड डाल देंगे और हल्के हाथों से दबाते हुए उसे फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बलून की तरह फूल गया है और इसीलिए इसका नाम है बलून ब्रेड। हम इसे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ब्रेड पर एक बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, हम इसे अब निकाल लेते हैं। हमारे सारे ब्रेड रेडी हो चुके हैं और फिलिंग भी हमने रेडी कर लिया था, तो अब हम इसके सैंडविच बनाना स्टार्ट करेंगे। सैंडविच
सैंडविच बनाने के लिए हमें ब्रेड को बीच में से कट लगा लेना है। अब मैंने इसमें लेटस के पत्ते डाल दिए हैं, उसके ऊपर 2 टेबलस्पून चिकन की फिलिंग डाल दी है, थोड़ा सा मेयोनीज ऐड करेंगे और फिर उसके ऊपर आप अपनी पसंद के कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने यहाँ पर टोमेटो, कुकुम्बर और कैप्सिकम ऐड किया है, साथ ही उस पर थोड़ा सा और मेयोनीज डाल दूंगी और ये मेरा चिकन बलून सैंडविच बनकर बिल्कुल रेडी है। ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आप यकीन करें बिल्कुल नई रेसिपी है और बहुत ही डिलीशियस है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।